हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रेलवे से जुड़ी एक और नई खबर शेयर करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब जून माह तक बहाल हो पाएंगे जनरल टिकट की व्यवस्था। वहीं रेलवे ने जारी की ट्रेनों की सूची। तो अगर आपको खबर के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ग्वालियर से गुजरने वाली ट्रेनों में अब जून माह तक जनरल टिकट की व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो पाएगी और तब यात्री इन ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में सामान्य टिकट पर सफ़र कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, इसके लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों की सूची भी जारी की है जिनमें जनरल टिकट व्यवस्था दोबारा से शुरू हो पाएगी। और आपको बता दें कि इन ट्रेनों में अभी जनरल कोच में ही टिकट आरक्षित हैं और जिन ट्रेनों में अंतिम आरक्षण टिकट बिकी है उसका अग्रिम आरक्षण पीरियड समाप्त होते ही उन ट्रेनों में पहले की तरह सामान्य टिकट प्रणाली शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक सुशासन एक्सप्रेस में 29 जून, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में 12 जून, बरौनी मेल में 16 मई, रतलाम इंटरसिटी में 27 अप्रैल, मथुरा हावड़ा चंबल एक्सप्रेस में 23 मई, ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस में 11 जून, खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस में 26 जून, आगरा हावड़ा एक्सप्रेस में 2 जून और कुरुक्षेत्र उदयपुर एक्सप्रेस में 28 जून से जनरल टिकट की व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। और साथ ही रेलवे द्वारा जारी की गई दिनांक से यात्री इन ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और रेलवे जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।